अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। चिल बालवीर चिल। अच्छा ठीक है जाओ अपने भाई को बचा लो जाए। बट वन क्विक क्वेश्चन, अगर तुम अपने भाई को बचाओगे तो तुम्हारी माँ और अनन्या को कौन बचाएगा? इतने सेंटी भी मत हो बालवीर। आई नो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन यू हैव टू चूज योर मॉम और योर ब्रदर। माँ ठीक है नानू? हाँ आंटी ठीक है, लेकिन विवान अभी तक पलटन को लेकर आया नहीं है, सब ठीक है ना? तुम चिंता मत करो नन्हे, मैं विवान को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। ना तुम विवान को खाई में गिरने से बचा सकते हो और ना ही खुद को इस मिरर से। की एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब जब नीचे गिरेंगे तो चटनी बन जाएगी। ए रिंकू, गिरने से पहले तू अपने जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बना। वैसे अगर चिंटू और चिंटी को नीचे फेंक दे तो बलून से बाहर कम हो जाएगा और हम स्लोली नीचे गिरेंगे। चिंटू तुम कुछ जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो। भैया जाओ जाओ। क्या कर रहे रिंकू, चुप बैठना। मैं तो बस मैच सिखा रहा था। मैं तो मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त, सो अब तो देबू भैया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। देबू भैया बलून खाई में गिरने वाला है, हमें हेल्प चाहिए। रे नहीं छोड़ेगा रे। आंटी बहुत काम कर लिया आज आपने, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रिफ्रेश। एकदम सही बात कर रही हो अनन्या, और रिफ्रेश होने के लिए सबसे अच्छी चीज है चाय, मैं बनाकर लेकर आती हूँ। अब आंटी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए चाय रेडी है। हाँ ये चाय कहाँ से लेकर आई तुम? ठीक है मैं इसके साथ खाने के लिए बिस्किट्स भी लेकर आती हूँ। आंटी कहीं मैं चाहिए, ये देखिए बिस्किट भी आई है। अरे ये इतनी जल्दी जल्दी चीजें कहाँ से ला रही हो तुम? मैजिक से। मैजिक से? अब वो आंटी मैजिक से थोड़ी आएगा, ये सब तो मैं बाहर से लाई हूँ। कब? तभी आंटी जब आप वहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, ये चाय किस चीज में लेकर आई हो तुम? कोई थर्मस तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। फिकर नॉट आंटी, थर्मस भी आई है। एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ। आंटी एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? अरे वाह इतनी सारी चीजें ले आई तुम, पानी भी ले आती? लाती हूँ।
ये लो पानी और ये लीजिए थर्मस। लेकिन लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़िए आंटी, आप यहाँ आराम से बैठिए और चाय एंजॉय करिए, बिकॉज द टी इज गेटिंग कोल्ड एंड ओल्ड। लीजिए। बालवीर, है? बालवीर? बालवीर? बालवीर, 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 इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा। मतलब अरे कोई जांच नहीं ले रहा है। खेमे गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के आप कैसे लगाओगे देवू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। Surprise! चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रेस से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ाना होगा और उसके लिए हमें सिलेंडर में आग लगानी होगी। थोड़ी ना कि हमारे मुंह से आग निकलेगी और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। क्यों विवान, चश्मा पहन के मर रहा है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विवान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। लाइए दीदी। हाँ, ये ले विवान। हाँ, ध्यान से, ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes.
guys. Please, Didi. Very good, Vivan. Thank you. Try hard of Balveer, क्योंकि परी तारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा। मार सपना नहीं देख रहे हो बालवीर, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या लगा था भयमार खत्म? मार दिया तुमने भयमार को। तुम भूल गए बालवीर, बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई अमर है और अच्छाई अजय होती है। भयमार, तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते। और कितना सुंदर प्लैनेट है ना। हाँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद एट्रोप। और व्यू देख, बलून के नीचे सेंसर बॉम्ब है, अब इसे सेफली नीचे कैसे उतारा जाए? बलून
बालपरी, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन विवान, हम भी अगले 8 घंटे तक वीरलोक के सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और नेक्स्ट डेट है उस तक मैं भी अपनी पावर यूज नहीं कर सकता हूँ, तो फिर बलून को सेफली कैसे नीचे उतारूं? विवान चिंता मत करो, मैं शौर्य से बात करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। तब तक तुम वहाँ की स्थिति को संभाल कर रखो। ओके बालपरी। चिंटू भैया, गैस बलून में बैठ के गैस छोड़ रहे हो? इतने अच्छे व्यू के बीच में भी तूने पोल्यूशन कर दिया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है चिंटू। इस पूरे बलून में हम 5 लोग हैं और पूरा डाउट सिर्फ मुझ पे जा रहा है। जिसमें ज्यादा गैस होगी उसी पे तो शक जाएगा। तेरी तो रिंकू क्या है? एक सेकेंड, ये तो किसी चीज की जलने की स्मेल है। हाँ। अरे वो देखो, ये तो बलून जल रहा है। हाँ? मुद्दा तो करे ना रिंकू। हाँ, फूकना वाले तो क्या करे, फायर ब्रिगेड किट को फोन लगाए क्या? तू भी फूक मार। Let us see बालवीर, कि तुम अकेले इस बुराई के डबल डोज को कैसे झेल पाओगे। समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। यस, हमें इस बलून को उन बादलों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी से ये आग बुझ जाए। हाँ, हाँ? देखा तुमने चिंटू चिंटी, भगवान जी ने अपने आप ही हमारे लिए फायर ब्रिगेड भेज दिया। अब हमें इस बलून को उस क्लाउड के डायरेक्शन में लेके जाना होगा। हाँ? ताकि ये आग बुझ जाए। हाँ? लेट्स गो। कम ऑन। हार मान लो बालवीर। दो भेड़ियों के बीच में एक मेमने की औकात रह गई है तुम्हारी बालवीर। परितारा की शक्ति विवान और उसके दोस्तों में समा चुकी है। अगर रे ने उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परितारा को नुकसान पहुंचेगा। और अगर परितारा की शक्तियां नष्ट हो गई तो पूरा वीरलोक नष्ट हो जाएगा और साथ में हम भी। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ शौर्य। तुम उस गुब्बारे को वीरलोक की दिशा में ले आओ, तब तक मैं वीरलोक का सुरक्षा कवच कुछ पलों के लिए खोलने की कोई युक्ति निकालता हूँ। ओके शौर्य, लेकिन वीरलोक तक पहुँचने से पहले
मुझे इस बलून में लगी आग बुझानी होगी। जिस बालवीर को तुम मेमना समझ रहे हो वो असल में एक शेर है। बेबार तुम्हारे सपनों के टुकड़े करने के लिए मेरा हथियार ही काफी है।